राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर बीजेपी को तकलीफ हो रही है, यदि भारत रख लिया जाए तब भी तकलीफ होगी। राजनांदगांव में पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कोसरिया यादव महासभा द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं परसों ही यहां भरोसा सम्मेलन में शामिल होने आया था। यादव समाज भगवान कृष्ण के वंशज हैं। हर नगर पालिका नगर पंचायत में कृष्ण कुंज का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत बनाम इंडिया के विवाद पर कहा कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर बीजेपी को तकलीफ हो रही है। अब ये लोग देश को भारत बोल रहे हैं। अगर बीजेपी को विपक्षी गठबंधन के नाम से तकलीफ है तो स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IAS, IPS, इस सभी को किस नाम से बोलेंगे? अगर विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया तब ये लोग किस नाम से देश को बुलाएंगे? बीजेपी की मानसिकता इतनी संकुचित नहीं होनी चाहिए। हमारे देश को कोई भारतवर्ष कहता है तो कोई हिंदुस्तान, हमें इसका गर्व होना चाहिए। इससे कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज यादव समाज के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन था और उसमें मुझे बहुत पहले से आमंत्रित किया था। हालांकि परसों ही और यहाँ नांदगांव में भरोसे सम्मेलन हुआ और उसमें भी आना था। तो आज यादव समाज बहुत मेहनत का समाज, भगवान कृष्ण के वंशज वंशी, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया, हाँ इंडिया टीम है। और अब ये लोग तो यदि संगठन के लोग यदि इंडिया रख दे तो उनको तकलीफ हो गई, भारत बोलते हैं। और इसके पहले जितने अभी खड़गे साहब ने बढ़िया बताया ना, सब स्टार्टअप इंडिया से लेके सारे खेलो इंडिया तक के, अब उसको तकलीफ है। यदि संगठन भारत रख ले तब क्या नाम रखेगा? और ये जितने नोट रखे हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये जितने अधिकारी हैं, कोई IAS है, IAPS है, IPS है, वो क्या बोलेंगे? आप इतना संकुचित मानसिकता आपको नहीं होना चाहिए। कोई भारतवर्ष कहते हैं, जम्मू द्वीप पहले कहते थे भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान हुआ, इंडिया हुआ, हम तो ये हमारे देश का नाम कुछ गर्व होना चाहिए, तकलीफ क्यों होनी चाहिए? रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।